तो फ्रेंड, जीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन में डालेंगे हम करीब 1 टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा डालेंगे, और 1/2 टेबल स्पून इसमें धनिया डालेंगे, और इसको कर लेंगे हम रोस्ट। थोड़ी सी चुटकी भर हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया और एरोमेटिक खुशबू देगा इसके अंदर। तो इसको हल्का सा हमें, जैसे जीरा रोस्ट करते ना, भुना हुआ जीरा, उस तरीके से इसको रोस्ट कर लेंगे। ये जीरा अच्छे से भुन गया है, जलाना नहीं है इस जगह, भुनना है। हल्की सी खुशबू आने लगी है और इसके अंदर से धुआं भी निकलने लगा है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और गैस कर देंगे बंद, और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। इसको हल्की सी, ये भी रोस्ट हो जाएगी इसके अंदर। और अब इसको मिक्सी के जार में कर लेंगे खाली। और इसका बना लेंगे पाउडर। हमने बना लिया है पाउडर, और पैन को वापस हमने चढ़ा दिया है गैस पे। यहाँ डालेंगे हम करीब 1/2 टीस्पून ऑयल। थोड़ा सा तेल को होने देते हैं गरम। के साथ में डालेंगे हम 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को हल्का सा तड़का लगते हैं। यहाँ मैंने लिया 1 इंच अदरक, इस तरीके से स्लाइस काट लिए हैं, ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, स्क्वायर साइज़ में मैंने काट लिए हैं, ऐड कर देंगे। और गैस अब आपको लो फ्लेम पर रखनी है। थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं आलूओं को। और आलू मैंने जो एक नमक डालकर, 1 चम्मच नमक डालकर उसके बाद उबाले हैं। और आपको आलू में हल्की सी कसर लगनी है, रखनी है आपको। उनको पूरी तरीके से उबाल देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर भी थोड़े से ये फ्राई होंगे। बस ये हल्का सा फ्राई करने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे, ये हमने जो मिक्सी में बनाया था पाउडर, तो यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून इसमें से पाउडर इस पर डाल देंगे। रेड चिली डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला, लिटिल बिट गरम मसाला थोड़ा कम डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं जलजीरा 1/4 टीस्पून। बहुत ही अच्छा फ्लेवर, खट्टा सा फ्लेवर देगा। यहाँ पे मैं अमचूर स्कीप कर रहा हूँ, तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना डालेंगे हम, सूखा वाला। और एक बार फिर टॉस कर लेते हैं। यहाँ पर डालते हैं हम नमक, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार। मैं डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून। रोस्ट करने के बाद में, मसाले अच्छे से मिलाने के बाद में, हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़े से धनिया की डंडी पीछे की। गैस करते हैं बंद और इनको करते हैं सर्व। बहुत ही चटपटे मसालेदार ये जीरा आलू हमारे बनकर तैयार है। ऐड कर लेंगे इसमें। अगर तैयार है हमारे चटपटे मसालेदार जीरा आलू। तो फ्रेंड्स, दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए, जो बनाया है उसको ऐसे ही खाकर खत्म करते हैं। वैसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं आप।